आज एक नहीं बल्कि चार रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी झटपट बनने वाली और टिफिन के लिए तो यकीन मानिए परफेक्ट है ये। वेलकम बैक टू एक्जॉटिक डाइन, मैं हूँ स्वाति। तो इडली तो हम हमेशा बनाते ही हैं और जैसे ही इडली बनती है गरम गरम देख के आपका भी मन हुआ ना खाने का, तो बस इडली जब बनती है तब तो फटाफट खत्म हो जाती है, लेकिन जो इडलियाँ बच जाती हैं और कई बार हम खासतौर पर बचा भी लेते हैं क्योंकि इस स्नैक को हमें बनाना होता है, तो आज इस बची हुई इडली से ना पहला जो हम स्नैक बनाएंगे उसका नाम है ग्रीन चिली इडली। वैसे तो ये नाम ग्रीन चिली इडली है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मिर्ची नहीं होती और बड़ी ही टेस्टी होती है। तो इसके लिए आपको प्याज लेना है, कुछ प्याज को हम एकदम मोटा मोटा काट लेंगे और उसी के साथ टमाटर को भी काट लेंगे। यहाँ पर आप टमाटर के सीड्स निकाल करके ना उसको स्क्वायर में काट लीजिए और साथ में कैप्सिकम भी काट लीजिए। इनको एक तरफ रखते हैं। अब दूसरी तरफ थोड़ा अदरक लेना है, हरी मिर्च लेना है, हरा धनिया लेना है, पुदीना, और ख़ास चीज़ आपको लेनी है वो है कैप्सिकम। ये सभी चीज़ें जो है ना एकदम ग्रीन कलर अच्छा वाला दे देती हैं। अगर आपको पालक आपके पास है तो आप थोड़ा सा इसमें पालक भी मिला सकते हैं। अब इन सब को मिला के एक चटनी बनानी है, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला, नमक डाला, सादा नमक, काला नमक, थोड़ा जीरा। यहाँ पर मैंने एक खास चीज़ डाली है, वो थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा। जब भी आप कोई ग्रीन कलर की चीज़ बनाए ना तो उसके अंदर छोटा सा नारियल का टुकड़ा अगर डाल देते हैं तो वो एकदम परफेक्ट वाला ग्रीन कलर आ जाता है। तो नींबू मिला के वो चटनी हमारी रेडी होगी जो कि कैप्सिकम की है। तो थोड़े से तेल के अंदर आप यहाँ पर टमाटर, प्याज और जो कैप्सिकम है उसको हल्का सा सौते कर लेते हैं, और साथ में मैं यहाँ पर जो इडली कटी हुई रखी थी उसको भी यहाँ पर मैं डाल दूंगी। तो एक बार इडली के ऊपर भी ना हल्की सी ऑयल की कोटिंग आ जाएगी तो वो जो इडली खाने में जब आप आएगी ना तब बहुत अच्छी लगती है। अब जो हमने ग्रीन पेस्ट बना के रखा था उस ग्रीन पेस्ट को इसके अंदर मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं जिससे अच्छी तरह से जो इडली है वो सोक कर ले इस चटनी को। तो ये देखिए आपकी ये जो ग्रीन चिली इडली है वो बनके एकदम तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, लेकिन ग्रीन कलर इसका बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप ट्राई करके देखिए। तो ये हमारी पहली रेसिपी बन गई। अब जो दूसरी रेसिपी है उसको हम साउथ इंडियन स्टाइल में ही बनाएंगे। तो उसके लिए आपको तेल के अंदर थोड़ा सा राई डालनी है, कड़ी पत्ता डाला, 2 सूखी लाल मिर्च डाली, काजू और थोड़ा सा चना डाला, ये भुने चने की दाल है, और उसके साथ में मैंने अनियन डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ पर हल्दी डालिए लेकिन हल्दी डालने पर अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने एक मसाला डाला है, ये मसाला एक्चुअली पोड़ी मसाला है। अगर आपके पास पोड़ी मसाला है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप सांभर मसाला भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के ना एक बार डाल करके थोड़ा सा इसको स्टर कर लीजिए, एक अच्छा सा एरोमा और फ्लेवर दोनों आ जाएंगे। अब बस इडली को डालना है, और इडली को डालने के बाद मैं एक बार अच्छी तरह से इसमें सौते किया। अब मैं इसके ऊपर ना थोड़े से पानी के छींटे दे दूंगी क्योंकि कई बार ये लेफ्ट ओवर इडली होती है तो फ्रिज के अंदर रखी होती है, तो अगर थोड़ी सी हार्ड भी हो गई है तो एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब बस इनको सौते करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट डालिए, हरा धनिया डालिए, और ये आपकी इडली बन करके रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके ऊपर जो पोड़ी मसाला या फिर आप सांभर मसाला, दोनों में से कोई भी मसाला यूज़ में ले सकते हैं और दोनों मसाले साथ में भी ले सकते हैं। तो आप ये एक बार खा के देखिए और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अभी और 2 इडली के स्नैक्स बाकी है, और अगर आपको ऐसी रेसिपीज पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल भी दबा सकते हैं। और अगर आपको लाइव कुकिंग पसंद है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग भी करती हूँ। तो अब जो हम बनाएंगे वो स्नैक को इडली से बनाने के लिए ना हमको यहाँ पर तेल के अंदर थोड़ा सा गार्लिक डालना है। गार्लिक की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो जिंजर भी डाल सकते हैं। इतना हमको उसको क्रिस्पी कर लेना है कि थोड़ा लाल लाल सा हो जाए। अब आपके पास जो भी सब्जियां हैं वो आप सब ले लीजिए। मेरे पास यहाँ पर गाजर, कैप्सिकम और कैबेज थी तो मैंने वो सारी ले ली है। और यहाँ पर इडली को वैसे ही हमने थोड़ा लंबा लंबा सा काटा है जो कि अच्छा लग रहा था। अब इन सब्जियों को ना हमको ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इनको सौते करना है। अब इसके अंदर आप सॉसेस मिलाइए, तो टमाटो केचप मिलाया, चिली सॉस मिलाया, ग्रीन चिली सॉस मिलाया और थोड़ा सा सोया सॉस मिलाया, और वो जो मसाला मिलाया है वो है चाइनीज मसाला। आप उसकी जगह चाउमीन वाला मसाला जो आता है वो भी ले सकते हैं। और बस अब इसके अंदर हम इडली मिलाएंगे। इडली को मिलाने के बाद में अच्छी तरह से आपको स्टर करना है, और ये हमारी चाइनीज इडली बन गई है। कितना इजी होता है इसको बनाना, और ये बच्चों को तो बेहद पसंद होती है और वाकई लगती भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके साथ हम बहुत सारी सब्जियां भी दे देते हैं, तो मम्मियों को भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद। तो फिर आप जल्दी से बना लीजिए। तो
ये जो रेसिपी है ना बहुत ही इजी होती है, लेकिन इसको बनाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता। इसलिए ये अगर आप टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो इडली रात को बना के रख लीजिए और फिर उसके बाद आप सुबह टिफ़िन में बहुत इजीली बना सकते हैं। अब लास्ट रेसिपी जो है वो इडली वाला स्नैक जो है वो एकदम स्पाइसी जो खाने वाले लोग हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर भी आपको गार्लिक लेना है, तेल में गार्लिक भुन जाए तो उसके बाद में अनियन डालिए और जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हैं वो सारी डाल दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं और यहाँ पर मैंने कॉर्न डाल दिया है। अब इसको स्पाइसी बनाने के लिए शेजवान चटनी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और शेजवान चटनी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स देने के बाद में जो इडली हमने काट करके रखी है उनको हम मिक्स कर देंगे। ये शेजवान इडली जो होती है ना थोड़ी सी स्पाइसी साइड में होती है। अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन है ना तो इनको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाली जो इडली का स्नैक है वो सबसे अच्छा लगा। आपको ग्रीन चिली अच्छा लगा या कोकोनट इडली या चाइनीज़ या फिर शेजवान, क्योंकि मुझे तो ये चारों ही बहुत पसंद है। और अगर आपको चारों पसंद है तो आप चेंज कर करके बनाते रहिए। वैसे मैंने यहाँ पर सूजी वाली इडली यूज में ली थी, आप चाहे तो रेगुलर इडली भी ले सकते हैं। और अगर आप सूजी वाली इडली की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।